एंटमैन और एटम स्मैशर में कौन जीतेगा अगर वो बड़े होकर लड़े तो ये एक फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग है। एटम स्मैशर जहां ब्लैक एडम को उतने देर अपने फिस्ट के नीचे दबा के रख दिया था और हुरूत के स्टैचू को उठा लिया था, वहीं अपना स्पॉट बस एक पंच में पूरी चित्तौरी लेवियाथन को टेक डाउन कर दिया था। यानी जायंटमैन बनने के बाद अपना स्पॉट भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। वहीं हमने देखा कि एटम स्मैशर एडम के एक पंच से नॉकआउट हो गया था और अपना स्पॉट भी टोनी और रोडी के एक कंबाइंड पंच से नॉकआउट हो गया था। तो फिर ये दोनों लड़े तो जीतेगा कौन? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जिसकी हिट सबसे पहले पड़ी चांसेस उसके ज्यादा हैं, क्योंकि हाइट पड़ने के बाद मोबिलिटी उतनी ही धीमी हो जाएगी। साथ ही एटम स्मैशर इसलिए जीत सकता है क्योंकि स्कॉट उतना बड़ा साइज ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता।